चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मस्करियां चैनल, मैं हूं आपकी होस्ट रफ़ज़ा मलिक जी। नाज़रीन, आज का टॉपिक है वो बड़ा अजीबो गरीब है, क्योंकि इमरान खान ने 13 कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि भंग काश की जाए। अगर भंग काश हो गई तो फिर भंगी बहुत ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी नशा जो है वो बहुत अरूज पर काफी लोग लेते भी हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, लेकिन अगर ऐसे भंग काश होने लगी तो फिर नया पाकिस्तान का कोई वीएन कुछ और ही लग रहा है। आए लोगों से पूछते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सबा। वो वाली तो इजी लोड मांगती है। नहीं वो नहीं, और भी तो हो सकती है ना, कोई जरूरी नहीं है मैंने इजी लोड ही खाए हो। चल झूठा, वो ही सबा याद है। हाँ तो वो कुछ शायद आपने इजी लोड करवाए हो उसे। अब लड़की हो लड़की बन के भी इजी लोड खा सकती है, फेमस है ना। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं खा सकती, मुझे क्या जरूरत उसकी। सबा का तो एक मियार है ना। आपको कैसा फील हो रहा है सबा से मिली, कैसे लग रहा है आपको? आपने फेस देखा नहीं है सबा, देखा आपने? मुझे वो सबा अच्छी लगी, सबा कमर। ये सबा वो नहीं, ये नहीं अच्छी लग रही। अच्छा इमरान खान ने 13 कंपनीज को ऑर्डर दिया कि भंग काश की जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहते हो कि भंगी ज्यादा हो जाएंगे या मेडिसिन के लिए, किस लिए आपको क्या लगता है क्यों ऑर्डर दिया? आवाम तो पहले ही लुटी पई, और मजीद लुटी जाएगी भंग पी के, ठीक है। और सबा ने तो पहले ही और भंगियों को लूटा, मजीद अब लूट लेगी, और क्या, मेरा तो फायदा ही है। मस्त प्लान है। अच्छा मैं बताऊँ, ये भंग काश होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो बुरी जो चीज़ है ना वो आप ऐसे अट्रैक्टिव करते हो, जो अच्छी चीज़ है ना वो आप नहीं कभी भी उसको जल्दी अट्रैक्ट करते। अच्छा तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं इसको नहीं समझता कि ये जो भंग चीज़ है ये पाकिस्तान में को होनी चाहिए ऐसा सीन। नहीं काश करने के लिए देनी चाहिए, होने चाहिए। अफगानिस्तान ठीक है, अफगानिस्तान ठीक है। बंगियों के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए? मैम असल वजह ये है कि इमरान खान साहब जो है ना फिलहाल थोड़ी बहुत इस तरह की मंशात वगैरह खुद यूज़ करने लग पड़े हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग पे ना कुछ इस तरह की वबा आने लगी पड़ी है। वो कभी कुछ बोल देते हैं, जब बोल देते हैं उसके बाद फिर खुद भी पछताते हैं कि यार मैंने ये क्या बोल दिया। बेशरम आदमी। तो अब देखें आगे हमारे पाकिस्तान में जहाज इतने बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ अब फिर ये काम कर रहे हैं। ये वाले जहाज या दूसरे जहाजों की बात कर रहे हैं? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखें जैसे स्मोक वगैरह की बीमारी अभी आ रही थी उसी वजह से आई है। ये बहुत ज्यादा जो है ना लोग भांग से स्मोक की वजह आई है? नहीं नहीं भांग की वजह से नहीं आई, लेकिन ये नशा और सिगरेट वगैरह तम्बाकू नोशी से। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। आपको क्या लगता है ये मेडिसिन बनाने के लिए या फिर क्या इसका मकसद क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता कि आ सकता कि क्या कुछ करने वाले इमरान खान, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। इमरान खान बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं इनकी बकायदा मजम्मत करता हूँ इस चीज़। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? मैं इनकी बकायदा मजम्मत करता हूँ। चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और हमारे अच्छे लीडर हैं, मुझे इन पे फख्र है, इनकी कारकर्दगी पे फख्र है। ये जब चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वाकई ये इमरान खान कोई हुकूमत करके गए थे। क्या भंगियों के लिए किया गया खुशखबरी है या मेडिसिन बनाने के लिए, आपको क्या लगता है? देखें ये अल्लाह का शुक्र है कि हम भंग के बगैर ही ऐसे रहते हैं जैसे भंग शुदा हो गए हैं अब तो खैर, और ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अगर तो ये मेडिसिन के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर ये मेडिसिन के लिए नहीं है तो फिर भी ये अच्छा है, इंसान बहुत सारी बातों को भूल जाता है। कैसे आप कह रहे चाय लेने के? नहीं नहीं यार भंग का एक गिलास बना दो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इतनी ज्यादा आम हो जाएगी आपको लग रहा है कास्ट करने के बाद? हमारे पास इतनी कंपनीज को मिल जाएंगी ना, कंपनीज कुछ भी कर सकती, कॉफी निकाल दे उसकी भंग की कॉफी में निकल आई चाय। चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसमें हम सबको कामयाब करे ये काम करने में। दोस्तों कह रहे आओ तुम्हें आज भंग वाली चाय बना के। पकोड़े तो आपने खाए कभी? भंग वाले पकोड़े खाने के बाद इंसान बेड पे बैठा होता तो उसको लग रहा होता है कि नीचे जैसे समंदर है, खाला है या कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये सारे काम हमेशा खाए कभी? हाँ मैंने एक दफ़ा खाए थे, और मैं अपने घर के सामने हमारे ना एक छोटा सा वो
बना हुआ था पानी के लिए, वो जो बनाते नहीं हैं जब बारिश वगैरह आती है तो सारा पानी उसमें घड़े में जमा हो जाए, तो मुझे लग रहा था कि वो सामने होज बना हुआ है कोई, तो अल्लाह करे कि स्विमिंग तो नहीं करनी शुरू की वहाँ। मैं भंग जब बंदा खा लेते हैं ना तो खाम खा ही रो ही जाता है। आपको लगता है ये भंगियों के लिए खुशखबरी है या फिर मेडिसिन बनाने के लिए? ये दोनों काम के लिए है। ये दोनों काम के लिए है। अरे शर्म करो। तो ये भंगियों के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए आपको क्या लगता है? ये भंगियों के लिए, मेडिसिन के लिए तो यूज होती नहीं ये भंग। ये भंग उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, वो जब पी लेते हैं सारा दिन टुंड रहते हैं। वहाँ भी पी लेगी वहाँ भी टुंड रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप इस पे वैसे हक में है या नहीं? मैं इसके हक में हूँ, भांग को पीनी चाहिए। भांग आवाम को पीनी चाहिए? आपके दोस्त आपको गालियाँ निकाल रहे हो। नहीं, हम भी कंपनी खोल लेंगे ना, भांग की कंपनी खोल लेंगे इधर ठोकर के पास। बटी भांग्स। बटी भांग्स ब्रांड बन जाएगा। तो से लेते हैं मेडिसिन के लिए या भंगियों की खुशखबरी है ये? इमरान खान साहब को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई उनको मतलब कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत बात है। हमारे मतलब आजकल के लड़कों को, यंग को इस चीज़ से दूर भी रहना चाहिए और नशों से भी दूर रहना चाहिए, जो मेरे ख्याल से है। और उन्होंने मतलब इस चीज़ को एग्री करके या एक्सेप्ट जो भी किया है, लेकिन वो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए इसकी, काश नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है या मेडिसिन बताने के लिए भंगियों के लिए खुशखबरी, आपको क्या लगता है? ये जो भंग पीने वाले खाने वाले जो, ये वो उनके लिए खुशखबरी है, हम लोग इसको अच्छा नहीं समझते। लगता है ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, भंग काश करना अच्छा है या नहीं, कि भंगियों के लिए खुशखबरी है या फिर मेडिसिन बनाएंगे इसे? ये मेडिसिन के लिए यूज़ होगा और ये एक अच्छा पर्पज़ है, क्योंकि हम खुद कफील हैं भंग में, सो ये मेडिसिन में और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, और ये हमें इसे एक्सपोर्ट करेंगे उसमें हमें काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा होगा। Yes, I tried. तो आपने एक दफा ट्राई किया या बार बार करते? 2-3 times and it's very good for the stomach and digestive system. If you have digestive problem, then you can use it. आप भी use कर सकती हैं। ये भंगियों के लिए खुशखबरी है और तो कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। नशे वाले मजे करें, बाकी तो हम तो खराब ही होएंगे। आपको लगता है ये भंगियों के लिए खुशखबरी है या मेडिसिन बनाई जाएगी? ये आपदे लिए भंग भुंग पींदा है, आपदे लिए करदा पिया, दूजा ने की तो महंगाई वे की नहीं की इन्हें। ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, कोई कितों होना चाहिए, अगर लोग नशे करते पैने गए महंगाई की वजह तो, टेंशन की वजह तो। आप तो नहीं कर रहे ना? नहीं बाजी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਚੋਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਕਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਭੰਗ ਮੱਛੀ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਗ ਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਕੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭੰਗਿਓ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਏਗੇ? ਭੰਗਿਓ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। द बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, वही वाली बात हो जाती है कि लोग जैसे होते हैं दूसरों को भी वैसे बनाना चाहते हैं। आपको लगता है ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए, हमारे माशरे में सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। अच्छा मुझे ये बताइए, इमरान खान ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि 13 कंपनियां जो है ना भंग काश की जाए, आपको लगता है ये भंगियों के लिए खुशखबरी है या फिर मेडिसिन बनेगी? क्या क्या नोटिस जारी किए है कि भंग काश की जाए? भंग काश की जाए तो जाहिर बात है इमरान खान है, वो यही कह सकते हैं। अच्छा इम्प्लीमेंट है। यार देखिए मेरी बात सुने, जो चीज़ ज़्यादा काश्त होगी ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा, और यंग जनरेशन जो अभी जिनका इतना यू नो जो इतने बाशऊर नहीं होते हैं, जिनका इतना दिमाग काम नहीं करता, या जिनकी कंपनी भी अगर ऐसी हो जाए ठीक है, तो इट्स नॉट गुड, वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। कोई बंदा थोड़ा सा भी अपसेट होता है, हमारे ये जो मर्दज रहता है उनको इतनी सी भी टेंशन होती है ना, तो वो सिगरेट पे सिगरेट फूकने लग जाते हैं। खा रहा कोई पी रहा है। हाँ कोई खा रहा है, आ जा वो कैफे खुला है भंग कैफे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो चर्सी तिक्के तो पहले ही मिलती है, अब भंग के तिक्के मिला करेंगे और क्या। तो
जी नाजरीन, इमरान खान ने 13 कंपनीज को नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो भंग काश कर सकती हैं। लोगों को मैंने पूछा था कि भंग काश होनी चाहिए या नहीं, कुछ लोगों ने क्या होनी चाहिए, इससे हो सकता है मेडिसिन बने, कुछ लोगों ने कहा इसमें भंगियों का इजाफा हो जाएगा, तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।